पॉप बैक में ये फर्क है, ध्यान से देखो थोड़ा, इसमें और इसमें कितना फर्क है आपको ये दिखाता हूं मैं आपको। साइज दोनों का सेम है, जरा सा हल्का सा। भाई गुड मॉर्निंग, सबका क्या हाल है, सब ठीक ठाक? तो भाई ये गुड मॉर्निंग दुबई से हो रही है आज, मतलब आपको ये तो पता है भाई कई दिन हो गया है ना। तो आज का हमारा सिटी टूर है पूरा दुबई मॉल वगैरह सारे के। तो उससे पहले भाई जो हमने कल शॉपिंग करी थी तो उसके बारे में अनबॉक्सिंग करनी है। मैं दिखाया था आपको, देखो एक तो ये लेकर आया 14 प्रो, ये भाई अपना 14 प्रो 512, और भाई एक ये लेके आया 13 प्रो गोल्ड, क्योंकि ज़्यादा तो यहाँ से ले नहीं सकते भाई, एक ही दो ले सकते थे, ज़्यादा तो लेंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, कस्टम वस्टम में रोकें भाई इतने फ़ोन के आप स्मगलिंग करते हो क्या? तो भाई तो ये इतने ही ला सकता था। दूसरी भाई इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे भाई मेरे को ये कितने का पड़ा, यहाँ से इंडिया में कितने का, यहाँ कितने का है, कितना रेट में डिफरेंस है, आपको पूरी डिटेल बताता हूँ इसकी, और कैसे फ़ोन की लुक है क्या है इसके बारे में भी पूरी डिटेल से आपको दिखाते हैं अभी अनबॉक्सिंग करके। तो आप बने रहो साथ में। उससे पहले भाई जो भी नया वीडियो देख रहा है हमारी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करा करो, देख के आगे न मत जाया करो भाई। आप लोग देखोगे सब्सक्राइब करोगे जब भी तो हमारा भी क्या मन करेगा भाई इतना खर्चा होने लग रहा है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट्स सब कुछ करा करो भाई। अब आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा। तो भाई पहले अनबॉक्सिंग हम 13 की करते हैं भाई, 13 कैसा है क्या है। 13 तो सबको पता ही है भाई जैसा है, लेकिन एक तो ये लिया है भाई और एक ये 14 लिया है, फ़र्क देखो आप 14 प्रो और 13 प्रो डिब्बा सेम है बिल्कुल, चौड़ाई में भी सेम है बिल्कुल, लंबाई में चौड़ाई में डिब्बा तो सेम है। अब इसकी खोल के अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं भाई, पहले 13 को खोलते हैं, 14 को साइड में रख देते हैं, पहले 13 देखते हैं 13 कैसा है। इसके लिए भाई ये सील यहाँ से ऐसे पढ़ो और एक इधर से है, दो दो सील दे रखी भाई, ये फाड़ दी, डस्ट को डस्टबिन में डालो। अब देखते हैं भाई अंदर से कैसा क्या निकलता है। सिम खुल गई भाई, ये देखो फ़ोन, इसको अभी साइड में रख देते हैं। अभी आपके इसके अंदर जो जो सामान मिलता है देखो दुबई में, साथ में एक तो ये लीड मिलती है, आजकल चार्जर तो मिलता नहीं, लीड ही मिल रही है भाई। ये अपना सी टाइप वाली केबल है, और भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो खाली डिब्बा है, ये खाली कवर दे रखा है इसमें। इसमें भाई ये है, एक तो ये पिन आती है साथ में, और भाई इसको कोई शायद ही कोई पढ़ता होगा मेरे हिसाब से, तो ये तो पढ़ने के लिए दे रखा है। इसमें देखो क्या क्या है क्या क्या नहीं, पर कोई नहीं पढ़ता इसको, इसको साइड में गिरो। एक ये एप्पल का स्टिकर और दे रखा भाई बैक साइड में चिपकाने के लिए, कि भाई आपको फ़ोन पे इससे लुक बन जाती है एप्पल की। और इसके अंदर क्या है भाई, खाली है भाई, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये बाकी डिब्बा खाली है भाई, कोई चार्जर वार्जर कुछ नहीं है, खाली फ़ोन और लीड, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। बाकी इसकी डिटेल सारी देखो इसके अंदर, पीछे आपको दिखाता हूँ, ये है सारी, ये लिखा भाई आईफोन 13 प्रो 128 GB गोल्ड AED 000, क्योंकि रेट ये लिखते नहीं। और भाई पीछे इसका ये पूरा कंपनी ने अपनी डिटेल दे रखी सारी भाई, EMI नंबर फलाना ढकड़ा जो भी इसकी डिटेल होती है। तो ये है भाई, अब ये फ़ोन है, अब फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं भाई एक बार कैसी है ऊपर से हटा के एक बारी भाई। वाह भाई मस्त है, बढ़िया है भाई, गोल्ड का देखो कलर देखो लुक देखो, गोल्ड में वाकई में बढ़िया चीज़ दिख रही है भाई, बिल्कुल शाइनिंग दिखा। और ये सिम स्लॉट है भाई, ये वॉल्यूम आवाज़ कम बत्ती करने का, ये साइलेंट करने का,
ये ऑन ऑफ करने का भाई, इसको ऑन करके अभी आपको दिखाते हैं कैसा, कितनी बैटरी पाती है नए फ़ोन में। हो गया भाई, आ गई कटी और सेव एप्पल। ये देखना अभी तो ये नमस्कार नमस्कार करेगा, लिखा हुआ आएगा क्योंकि इसमें बैटरी वैटरी ओपन होगी नहीं है। देखो वाओ, बैटरी भी बहुत है भाई, कम नहीं है अभी तो। इसको बाद में एक्टिवेट करेंगे, अभी हम आपको 14 प्रो जो नया अभी लॉन्च हुआ है, जिसका क्रेज़ अभी फुल है भाई। 13 की अनबॉक्सिंग तो आपने देख ली, अब आ गई 14 की बारी भाई। फ़ोन बहुत हैवी है, वेट में फुल उससे ज़्यादा हैवी है, तो ये 512 है, इस वजह से भी हो सकता है। और भाई इसकी ये डिटेल देखो, अभी आपने ये लिखा यहाँ पे दिख रहा होगा 14 प्रो, और कितने GB का है ये रहा, 14 प्रो 512 GB ब्लैक AD 6499 रुपये। लेकिन कितने का है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो भी और ये भी दोनों मिला के, ठीक है। ये EMI वगैरह सारा पूरी डिटेल दे रखी है इसकी, इसका बिल भी दिखाऊंगा आपको अभी, तो मैं दिख रही है वो है लुक दिखा रखी है भाई। भाई अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। ये स्टिकर है इसको, जिसको वो कह रहे ना भाई, नए फ़ोन को फाड़ के फील ये अलग आती है, ये वही फील है भाई। एक सील इधर है, इसको भी ऐसे, अरे उठ जा भाई, ये वह नए फ़ोन की, यहीं से इसकी पैकिंग खुलती है, अपनी देसी भाषा में भाई सील खुलती है इसकी। ये देखो अब इसके अंदर ये वैसा ही बॉक्स है जैसा उसमें 13 में था, सेम ऐसे ही। ये भाई ये देखो 14 प्रो, इसके अंदर 13 में 14 में भाई एक फ़र्क तो है, इसके कैमरे बहुत हैवी हैं, बड़े बड़े बाहर निकले हुए हैं काफ़ी। ये देखो आप 13 से तो ज़्यादा निकले हुए हैं, ठीक है। इसका बाकी इसके अंदर बॉक्स में और क्या क्या है अभी फ़ोन को बाद में खोलेंगे। भाई सेम लग रहा है मेरे को तो, लीड एक टाइप से, एक तरफ से सी टाइप है, एक तरफ से जो पहले उसमें लगती थी वही है एप्पल वाली। भाई दूसरा इसके अंदर वो वही सेम कॉप बुक पढ़ने वाली बुक है, ये तो भाई पिन होगी, ये स्टिकर हो गया, और भाई ये वही बुक है जो कि कोई पढ़ता ही नहीं, ये सब वेस्टेज है भाई। इसको साइड में रखते हैं, इसको इसमें डाल के फ़ोन दिखाते हैं अभी आपको ओपन करके। भाई ये देखो 14 कैसा लगता है ओपन होके, ये इसका स्टिकर यहाँ से ऐसे उतार के, ये देखो भाई, ये ऐसे ब्लैक में सारा ही आगे पीछे सारा ब्लैक है, और शाइनिंग बहुत अच्छी लग रही है ब्लैक में, ये नहीं कि शाइनिंग नहीं है, ज़बरदस्त बढ़िया शाइनिंग है फ़ोन में। अब इसको ओपन करता हूँ भाई। हाँ इसमें एक चीज़ हो रही है, देखो बटन बड़े प्यारे दे रखे हैं, मतलब बिल्कुल अंदर ही हैं, प्रेस करने की वो है खाली, उभरे ज़्यादा उभरे हुए नहीं है, जैसे भाई ज़्यादा बाहर नहीं होते बटन, वो नहीं है। ये देखो भाई हो गया ओपन, वाओ क्या मस्त एप्पल की शेप आ रही है कटी हुई। हो जा भाई ओपन, ये हो गया भाई, हो गया, ये वही सेम लैंग्वेज हेलो लिखा हुआ है उसी में आ गया, ये दूसरी भाषा में आ गया। तो भाई इसको एक्टिवेट करेंगे अभी, क्या है कैसे अंदर क्या क्या फीचर तो वही सेम एप्पल में, ज़्यादा चेंज तो नहीं आते हैं, बाकी कैमरा चेंज है, कैमरे की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है। तो भाई ये थी अपनी अनबॉक्सिंग 13 और 14 की, बाकी अगले और इस वाले में इतना ही था। अब अगले में आपको दिखाएंगे भाई GoPro की अनबॉक्सिंग, और भाई और Mac Pro MacBook ली है जो एप्पल की वो, और एप्पल वॉच, और भाई और भी काफ़ी सामान है आप देखो तो।
तो भाई मैंने आपको अभी दोनों फ़ोनों की अनबॉक्सिंग करके दिखाई भाई, कौन सा फ़ोन कैसा है कैसे नहीं। अभी इसकी मैं आपको लुक दिखाता हूँ बैक साइड से कैसी है। फ्रंट से तो आपको पता ही नहीं चलेगा सेम है दोनों, बाकी बैक से दिखाता हूँ। ये देखो आप बैक में ये फ़र्क है, ध्यान से देखो थोड़ा, इसमें और इसमें कितना फ़र्क है आपको ये दिखाता हूँ मैं आपको। साइज़ दोनों का सेम है, जरा सा हल्का सा फर्क ये है कि इसके कैमरे थोड़े कम उभरे हुए हैं, इसके कैमरे थोड़े ज़्यादा उभरे हुए हैं। यानी कि उभरे हुए का मतलब समझ गए ना, थोड़े से ज़्यादा बाहर हैं, इसके थोड़े से कम बाहर हैं। तो अपनी देसी भाषा तो यह है भाई, उभरे हुए हैं, ठीक है। बाकी फ़ोन आगे से सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। आपको खाली ये जो नोब है ना, नोब वाला सिस्टम, इसके अंदर पूरा स्क्रीन है, इसके अंदर हल्का सा यहाँ पे नोब दे इन्होंने कम दे रखी है, इसमें दिख रही है, इसमें दिख नहीं रही, प्लेन है, आपको पता नहीं चलेगा। बाकी ऑल ओवर फोन सेम है, हाँ ये नहीं पता, इसमें 14 में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर ये है, ये देखो आप क्या है, ये पता मुझे भी नहीं है। तो जो भी है भाई देख लेना। अभी इनका मैं प्राइस बताता हूँ भाई, ये यहाँ कितने कितने रुपए के पड़े हैं दोनों, ठीक है। जो ये वाला है 5400 यानी कि दुबई के रुपये दरम, यानी कि अपने इंडिया के जोड़े हैं तो इसको 1,24,200 रुपये, जो कि आप मान के 512 है, ये 512 GB में ये पड़ा इतने का, वहाँ इंडिया में इसका प्राइस है 1.5 लाख के आसपास। तो कम से कम भी मतलब मान के चलो 25-26 हज़ार रुपये कम का पड़ गया। हाँ एक चीज़ का जरूर ध्यान करो भाई, यहाँ हम क्या करते हैं कार्ड वार्ड में पेमेंट डलवा के जो आते हैं, वैसे हो काम तो सही है ये कि आपको भाई इतना कैश लेके कहाँ घूमना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे भाई ये दुकान वालों की एक मोनोपोली हो रही है भाई, 2.5% कटेगा। अब 2.5% कटेगा तो अब मतलब 1 लाख रुपये की शॉपिंग कर लिया मैंने, 2500 रुपये एक्स्ट्रा आपके गए। अब जितना हम करेंसी चेंज कराने में वहाँ देते हैं ना 1 लाख रुपये, हम चेंज कराते हैं तो 2500 रुपये वहाँ भी लगते हैं, तो हम वहीं क्यों ना इसको चेंज करेंसी लेके आए। अब कार्ड में डाल के लाओ, फिर यहाँ भी दो और वहाँ बैंक में भी करेंसी चेंज के पैसे, तो डबल चार्ज देना पड़ रहा है। और भाई ये 13 ये हमारे को पड़ा भाई इंडियन रुपए के हिसाब या यहाँ के हिसाब से जो दुबई के हैं वो 3600 रुपये, 3600 रुपये, और जो इंडिया के इसको जोड़ के देखें तो 82,800 रुपये, इतने रुपए का ये पड़ा। इसके ऊपर भाई फिर टैक्स पैक्स फलाना ढगड़ा ये मतलब ट्रम, तो इंडिया के अंदर ये 1,05,000 रुपये का है। तो भाई दोनों का मैंने आपको रेट बता दिया, और भाई फ़ोन में बाकी सेम है, खाली कैमरे में हल्का सा देखने पे ये पता चलता है भाई ये थोड़े कम उभरे हैं, ये थोड़े ज़्यादा है ना, बाकी सारा सेम है। तो भाई सारे भैया एक रिक्वेस्ट है कि रेट भी बता दिया, हर चीज़ बता दिए भाई, चैनल ना सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट्स करो, सारी चीज़ कर दिया करो, कुछ कमी लगे तो बता दिया करो, ठीक है। बाकी सारे सामान की अनबॉक्सिंग आपको अगले उसमें दिखाएंगे, और ब्लॉग में इसमें इतना ही था भाई। सारे भैया ने राम राम।